सुबह का दृश्य क्या है वो देखिए। सोना जो उसकी एक हिरनी थी उछल कूद के लिए बाहर जाने के लिए व्याकुल रहती है। कुत्ता वसंत नित्य क्रम के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है और गोधूली यानी बिल्ली चिड़ियों की चहचाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है, यानी वो भी बाहर जाना चाहती है। मेरे नित्य भ्रमण की भी अकेली साथिन भक्ति नहीं रही है। बदतर केदार आदि के ऊंचे नीचे तथा तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह जिद करके मेरे आगे चलती रही है। मतलब ऊंचे नीचे रास्ता होता है वो भक्तिन आगे आगे चलती है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ है होगी तो उसके ऊपर आ जाए, यानी भक्तिन के ऊपर आ जाए, उसकी मालकिन यानी महादेवी वर्मा को कुछ ना हो। ठीक वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी, संकीर्ण रास्ता यानी छोटा सा रास्ता जो संकरा है, ऐसा रास्ते को पगडंडी कहते हैं। धूल भरी, ऐसा धूल से भरा हुआ रास्ते पर मेरे पीछे रहना भी नहीं भूलती। वो पीछे रहती है उस समय। क्यों? क्योंकि जब वो चलेगी तो उससे पीछे धूल उड़ेगी और जो धूल उड़ेगी वो उसके पीछे वाले को लगेगी। यानी अगर वो लेखिका को पीछे रखती तो लेखिका पर वो धूल लगती, इसीलिए वो खुद पीछे रहती है उस समय। कहीं भी किसी भी समय जाने के लिए तैयार होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ, यानी वो भी मेरे साथ ही चलती है। युद्ध, उस समय युद्ध का टाइम चल रहा था। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग भयभीत हो उठे तब भक्तिन की बेटी दामाद उसके नाती को लेकर उसे बुलाने आ पहुंचे कि भक्तिन को साथ ले जाते हैं हम, क्योंकि और लेकिन उसके बाद हुआ क्या? किंतु बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। वह सबको देख आती है, रुपया भेज देती है, किंतु उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना जरूरी है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि वो अब मेरे साथ ही रहना चाहती है हमेशा के लिए। वो रुपया पैसा भेज देती है, देख भी आती है, लेकिन उसका साथ छोड़ना नहीं चाहती है, यानी भक्तिन। अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि महादेवी वर्मा बताती है कि भक्तिन युद्ध के समय में जो लोग कारावास जा रहे थे यानी जेल में जा रहे थे उनसे बहुत दुखी थी। और कारावास का नाम सुनते ही यानी जेल का नाम सुनते ही जैसे वो मूर्छित हो जाना चाहती है, यानी कि उसे बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो उसे लोग चिढ़ाते भी हैं कि महादेवी वर्मा जेल चली जाएगी, इस तरह के वो कह कहकर उसको चिढ़ाया भी जाता है। और इस बात से भी डरती है वो जेल से भी कहीं ज्यादा, वो इस बात से भी डरती है कि वो उससे अलग ना हो जाए, महादेवी वर्मा से अलग रहना ना पड़ जाए। तो यही बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, गत वर्ष जब युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर, यानी वीरता तो अब दिखाई नहीं जा रही, पलायन वृत्ति जगा दी थी, पलायन यानी भागना, तो वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जब जगा दी थी तब भक्तिन पहली बार ही सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का विनम्र अनुरोध करने लगी, करने आई। उसने भक्ति ने कहा बड़े प्रेम से, विनीत भाव से यानी विनम्र भाव से रिक्वेस्ट की कि वह गांव चले उसके साथ ही, यानी महादेवी वर्मा के साथ। वह लकड़ी रखने के मचान पर, अच्छा वो जब वो गांव जाएगी तो उसके उसको बहुत दुख कष्ट सहने पड़ेंगे, यानी महादेवी वर्मा ठहरी शहर की, उसको बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है शहर के। तो लेकिन महादेव सॉरी भक्तिन कहती है कि मैं वहां पर तुम्हारे लिए यानी महादेवी वर्मा के लिए बहुत कुछ तैयार कर दूंगी, यानी जो शहर के में होता है वैसा ही मैं गांव में भी सब कुछ तैयार कर दूंगी। वो क्या क्या? देखिए, वह लकड़ी रखने के मचान पर यानी एक ऊंची जगह पर अपनी एक नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़ कर तथा उन पर लकड़ी के तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा यानी सिरहाना बनाकर तथा उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध कर देगी, यानी बिल्कुल शहर जैसा ही बना देगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में मिट्टी का एक बर्तन में संजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि इकट्ठा कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया पैसा नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को तहजीब न देने के लिए कहा। यह बात महादेवी वर्मा ने कहा कि मेरे पास वहां जाने के लिए रुपया पैसा नहीं है। तब उसने एक आश्चर्य भरी एक बात कही। क्या कहा? भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर तथा तो पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर धीरे धीरे बताया कि उसके पास 5 बिसी और 5 रुपया गड़ा रखा है।
यानी उसके पास पैसा है क्योंकि उसने धन जो इधर उधर पड़े पैसे थे वो भंडार घर की मिटकी में रखे थे, यानी एक तरह की गुल्लक में रखे थे। वो पैसा उसने गड़ा रखा है, यानी छुपा रखा है। इन पैसों से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर ये लड़ाई तो अमरौती खाकर आई नहीं, यानी अमृत तो पी के आई नहीं है कि हमेशा के लिए रहेगी। जब सब ठीक हो ठाक हो जाएगा तब यही लौट आएंगे। भक्ति इनके कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। यानी वो जो कंजूसी के प्राण थे, यानी एक तरह के वो जो छोटे छोटे यानी कम कम पैसे इकट्ठे किए थे वो पर्वताकार बन चुके थे। इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि किंतु इस उदारता के डायनामाइट ने पल भर में उन्हें उड़ा दिया। क्या कहा, क्यों उड़ा दिया? क्योंकि महादेवी वर्मा ने कहा कि इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं है, किंतु रुपयों के प्रति भक्तिन का लगाव इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका यह प्रत्याग मेरे महत्व की सीमा तक। भक्तिन तथा मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है ऐसा कहना कठिन है, क्योंकि हम कोई सेवक और स्वामी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो मन होने पर भी सेवक को उसकी सेवा से हटा न सके। कि मालिक कहे कि वह नौकर निकल जाए यानी सेवा से हट जाए तो वह हटे ना, ऐसा कोई स्वामी नहीं है। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं कि आज तक नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर भी अवज्ञा से हंस दे, यानी उसकी आज्ञा का पालन ही न करे और हंस दे उस बात पर कि मुझे निकलने के लिए कहा जा रहा है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही गलत है, यानी नौकर कहना बहुत गलत है, जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और तुलसी को सेवक मानना। गुलाब जो खिलते हैं आंगन में, तुलसी जो खिलती है उसे सेवक कहना जितना गलत है, उतना ही भक्तिन को भी सेवक कहना गलत है। वे जिस तरह एक अस्तित्व रखते हैं, एक पहचान रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, ठीक उसी प्रकार भविष्य का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। यानी इस तरह का स्वतंत्र व्यक्तित्व मेरे विकास के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए है। कौन, किसने? वो भक्ति ने, भक्ति ने उसके जीवन को घेर रखा है। किसके लिए? वो मानती है महादेवी वर्मा कि मेरा विकास ही हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं। परिवार तथा परिस्थितियों के कारण मेरे स्वभाव में जो विषमताएं यानी अंतर उत्पन्न हो गया है, उनके अंदर से एक स्नेह और सहानुभूति भी की आभा हमेशा फूटती रहती है। इसलिए उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सरल और सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की छात्राओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए बैठी रहती है तो कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती तथा मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों की तरह उड़ जाती हैं, यानी वो मेरे आते ही सब भाग जाती हैं और अंदर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इनको आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्ति ने अपना दोनों वक्त का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है ताकि कोई दिक्कत न हो, और खाते वक्त चौके का एक कोना धोकर छत के सनातन नियम से संधि कर लेती है। यानी उनका जो क्रिया किस तरह की, पूजा पाठ करना, गतिशीलता है उसकी, वो सब करती है। मेरे जानकारों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष रूप से परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन की सम्मान की मात्रा मेरे प्रति लोगों के सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। यानी मैं कितना लोगों को सम्मान कर रही हूँ इस बात पर निर्भर करता है कि भक्तिन उनका कितना सम्मान करेगी। यानी मैं लोगों का जितना सम्मान कर रही हूँ उसी के हिसाब से ही वो भी उतना ही सम्मान रखती है। और सद्भाव सद्भाव यानी अच्छी फीलिंग्स उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। अतः इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि हैरान कर देने वाली है। सहज बुद्धि हैरान कर देती है कि वो मेरे प्रति यानी मैं जितना सद्भाव रखती हूँ दूसरों के प्रति उतना ही वह भी औरों के प्रति यानी उन्हीं के प्रति सद्भाव रखती है। ये बात हैरान कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से याद करती है, उसको ये नाम तो याद रहते नहीं है, और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा यानी बिगड़ा हुआ रूप देखकर। कवि तथा कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है किंतु आदर भाव नहीं बढ़ा। किसी के लंबे बाल पर अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, क्या कहती है उसके अस्त व्यस्त बाल देखकर, का ओहू कविता लिखे जानत है, क्या उसे कविता लिखना आता है, ऐसा वो कहती है। और जल्द ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है, क्या कहती है कि तब ऊ कछऊ करी धरई ना,
यानी वो कुछ करना धरना नहीं जानता, बस गली गली गाउत बजाउत फिराई। फिर तो वो बस वो गली गली गाता बजाता रहता है, फिर वो मतलब वो कविता ही लिखता है तो गाता बजाता ही रहता है, और तो कुछ आता ही नहीं है उसे। तो ये बात उसकी अवज्ञा प्रकट करती है, यानी वो दिखाते हैं कि वो बिल्कुल भी सम्मान नहीं रखती है ऐसे लोगों का जो कवि हैं। कवि और कविता के संबंध में ज्ञान तो बड़ा है लेकिन आदर नहीं बड़ा। यही बात माधवी वर्मा की। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का मेहमान हो जाता है, यानी जेल का मेहमान हो जाता है, तब उस सूचना को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल, जेहल माने जेल, कलजुग रहा, कलजुग यानी कलयुग रहा है, तोन रहा, कलयुग रहा तोन रहा, अब प्रलय हो जाई, यानी अब तो प्रलय होगी क्योंकि भरे लड़के अब जेल जा रहे हैं। उनकर माई का यानी उनकी माई का उनकी माता का बड़े लाट तक लड़ाई का चाही, यानी बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, यानी बड़ा युद्ध लड़ना पड़ेगा, कहकर पूरे दिन सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक जैसी मिलती है। मतलब कोई कितना ही अच्छा हो, कोई कितना बुरा हो, सबकी एक जैसी सहानुभूति रखती है। भक्तिन के संस्कार गुण ऐसे हैं कि कारागर से वैसे वैसे ही डरती है जिस प्रकार यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख बंद करके बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी ख्याति पा चुकी है, यानी इतने प्रसिद्ध हो चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं कि वह जेल चली जाएगी। वह डरती नहीं, यह कहना झूठ होगा कि वो डरती नहीं है, किंतु डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। क्यों? क्योंकि उसका साथ अलग हो जाएगा अगर वो उनमें से कोई एक जेल चला जाता है तो। दोनों में से चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी साबुन से क्या धोती साफ कर ले जिससे मुझे वहां उनके लिए शर्मिंदा न होना पड़े। मतलब कितनी धोती वो साफ करके रख दे ताकि वहां जाकर उसको शर्मिंदा न होना पड़े और धोतियों की चिंता न करनी पड़े, और क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी तरह की परेशानी न हो सके। वो इस चीज की तैयारी पहले से ही करना चाहती है। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का हक नहीं। कैसी यात्रा में? जेल जाने में। उसको लगता है कि अगर महादेवी वर्मा यानी लेखिका अगर जेल जाएगी तो वह भी जाएगी, खुद भी चली जाएगी, और धोती और जो भी सामान है वो उसको बांध लेती है, तैयार कर लेती है, और पूछती है कि वो कितना सामान बांध ले, कितनी धोती बांध ले जिससे वहां जाकर उसको तो कोई तकलीफ ना हो। तो ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का हक नहीं है। यह दिलासा भक्तिन के लिए कोई कीमत नहीं रखती, यानी ये दिलासा कोई महत्व नहीं रखता कि ऐसा कहना कि कोई उस वहां जाकर कोई भी साथ नहीं जा सकता वहां, यानी वहां का जेल में। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी खुश नहीं होती जितना कि अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। और भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, किंतु नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के समान अन्याय है भक्तिन के लिए। ऐसा अन्याय होने पर अब भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, यानी बड़े युद्ध लड़ना पड़ेगा। किसी की माइल अगर बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता क्योंकि उसको तो अपने मालकिन के साथ। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। ऐसे विषम प्रतिद्वंद्वियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है, यानी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दोनों को अलग होना पड़ेगा, तो ऐसी कल्पना में भी दुर्लभ हो रहा है, यानी बड़ा मुश्किल हो रहा है कल्पना करना भी। मैं अक्सर सोचती हूँ, लेखिका कहती है कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब एक दिन ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा। कैसा बुलावा? यानी मृत्यु का। मृत्यु का जब बुलावा आएगा तब तो हम अलग होना पड़ेगा हमें। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब एक दिन ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा और न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम पलों में, चिरविदा यानी लंबे समय तक विदा लेने के लिए, अंतिम पलों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी तथा मैं क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, किंतु उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। उसकी कहानी अभी अधूरी है क्योंकि वो अभी जीवित है, मेरे साथ है, ऐसा लेखिका कहती है, और मैं उसे खोकर इसे पूरा भी नहीं करना चाहती। ये अंतिम लाइन थी। अगर आपको +2 से संबंधित यानी 12वीं कक्षा से संबंधित और भी कविताएं और भी पाठ अगर आपको पढ़ने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और एक आखिरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी
आपको इस चैनल के वीडियो देखने को नहीं मिल रहे या कम मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए, आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद।